हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल पर जिसका नाम है नो इफ नो कैन ओनली रोहित एट मैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करेंगे जो WNBA का मैच होने वाला है डालास विंग्स वर्सेस फिनिक्स मर्क्यूरी के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल का आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो गाइस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप रिलेटेड और इंजरी रिलेटेड ये सारे अपडेट मेरे यूट्यूब के वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और राइट साइड में जो है बेल आइकन को आपको प्रेस जरूर करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, टेलीग्राम यूज़र हो, तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित एट मैन, ठीक है। क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं लास्ट मिनट में या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित एट मैन पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आइए बात करते सीधा लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डालास विंग्स के बारे में। 94-68 से लास्ट मैच विन करके आई है। स्टार्टिंग लाइनअप में थे ओगुन बाउले, मैप्री, थॉर्नटन, ग्रे और हैरिसन। ओगुन बाउले थी टॉप परफॉर्मर 28 मिनट्स में 24 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 6 असिस्ट, 5 स्टील्स। उसके बाद में है मैप्री 27 मिनट्स में 9 पॉइंट, 3 रिबाउंड, 2 असिस्ट। के थॉर्नटन 20 मिनट्स में 2.4 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 3 स्टील्स। ए ग्रे 18 मिनट्स में 8.2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील। हैरिसन 17 मिनट्स में 16.3 रिबाउंड, 1 असिस्ट। बेंच से खेले थे कुवेर 26 मिनट्स में 7.4 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 3 ब्लॉक, 2 स्टील। टी हैरिस 22 मिनट में 6.3 रिबाउंड, 4 असिस्ट। टी मैकोन 15 मिनट्स में 12 पॉइंट्स, 10 रिबाउंड, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। वी वाइटन 15 मिनट्स में 4.1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक। कॉलियर 7 मिनट में 6 पॉइंट्स, 1 असिस्ट, 1 रिबाउंड। और लास्ट में है जे डी के, जिसने 5 मिनट्स में 1 असिस्ट, 1 स्टील अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया था। सेकेंड टीम की बात करेंगे फिनिक्स मर्क्यूरी। 188 से लास्ट में लॉस करके आई है। स्टार्टिंग लाइनअप में थे मर्क्यूरी के लिए टियाना चार्ल्स, ब्रिटनी टर्नर, डियाना टोरासीट, एस डिकिन स्मिथ और पेडी। चार्ल्स थी 36 मिनट में 26 पॉइंट्स के साथ, 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील। टर्नर 35 मिनट्स में 2.8 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 ब्लॉक। बाद में है डियाना टोरासी 31 मिनट्स में 23 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। डिगिन स्मिथ 31 मिनट्स में 14.3 रिबाउंड, 5 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 2 स्टील। पेडी 30 मिनट्स में 12.3 असिस्ट। और बेंच से खेली थी डायमंड एशियल, 20 मिनट्स में 6.3 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 स्टील। कनिंगम 15 मिनट्स में 5.2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील। एम गुस्तफसन 3 मिनट्स में 1 असिस्ट अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट की थी। तो गाइस, दोनों टीमों के स्टैट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सीधा हम लोग बात करेंगे टीम के प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो गाइस, यहाँ से देख सकते हो पॉइंट गार्ड से मैंने पिक किया है यहाँ से एस डिकिन स्मिथ और शैक पेडी को, ठीक है। हैरिस बर्डन को आप पिक कर सकते हो क्रेडिट सेविंग के ऑप्शन के लिए। शूटिंग गार्ड से मैंने पिक किया ओगुन बाउले एंड डियाना टोरासी को। टोरासी और मैब्री किसी एक को आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। SF से मैंने पिक किया है डायमंड डिशील को। ग्रे ये मैच में GTD है, GTD का मनी होता है गेम टाइम डिसीजन, मोस्ट प्रोबेबली ये 50-50 कॉल होता है। तो मैच के टाइम जो लाइनअप आएगी उसमें आपको मैं बता दूंगा ये ग्रे खेलने वाली है या नहीं। उसके बाद में कनिंगम है यहाँ से, सैबली नहीं खेलेगी। उसके बाद में PF सेक्शन से अगर बात करेंगे तो हैरिसन को मैंने पिक किया है। यहाँ से तीनों ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन है, आप किसी को भी अपने टीम में पिक कर सकते हो। टर्नर है, थॉर्नटन है, पिलर के लिए मैं जाऊँगा हैरिसन के साथ। सेंटर से मैंने पिक किया टीम मैकोन को और ए कुयर को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से पॉइंट गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया एस डिकिन स्मिथ को, अगर आप चाहो तो यहाँ से टियाना चार्ल्स को भी पिक कर सकते हो, APP बना सकते हो। तो ये होने वाला है मेरा टीम का प्रीव्यू। SP के लिए मैंने पिक किया ए ओगुन बाउले को और PP मेरी टीम में रहने वाली है एस डिकिन स्मिथ। अगर आप डिकिन स्मिथ के प्लेस पर टियाना चार्ल्स सेंटर ले रहे हो तो उसको PP आप कर सकते हो। तो ये होने वाला है मेरा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बिफोर द लाइनअप। अगर लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस होते हैं, किसी प्लेयर के बारे में इंजरी रिपोर्ट आती है, तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित हिटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।